NH-52 दूधवाखारा के पास से गिरफ्तार डोडा पोस्ट तस्कर को रतननगर पुलिस ने कोर्ट में पेश कर भेजा जेल। चूरू की रतननगर थाना पुलिस ने शुक्रवार को डोडा पोस्ट तस्करी के आरोप में गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया है। पुलिस ने 26 मार्च को NH-52 पर नाकाबंदी के दौरान ट्रक से करीब 1.5 क्विंटल डोडा पोस्ट जब्त कर आरोपी तस्कर को गिरफ्तार किया था। आरोपी की रिमांड अवधि पूरे होने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। रतननगर थानाधिकारी जसवीर सिंह ने बताया कि 26 मार्च को NH-52 दूधवाखरा के पास पुलिस ने नाकाबंदी लगा रखी थी, तभी सामने से आ रहे ट्रक को रुकने का इशारा किया। शक होने पर ट्रक की तलाशी ली गई तो पाइप और टंकी के बीच रखे कट्टों में करीब 1.5 क्विंटल डोडा पोस्ट पाया गया। पुलिस ने डोडा पोस्ट को ट्रक सहित जब्त कर अलवर निवासी 32 वर्षीय विनोद कुमार को गिरफ्तार किया था। ये डोडा पोस्ट मध्य प्रदेश के मल्हारगढ़ से अम्बाला तस्करी कर ले जाया जा रहा था। डोडा पोस्ट की कीमत करीब 6 लाख रुपए थी। मामले में पूछताछ के लिए आरोपी को 3 दिन के रिमांड पर लिया गया था। अब रिमांड अवधि पूरी होने के बाद शुक्रवार को उसे कोर्ट में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवाया गया है।